लाल ईश्वर मंदिर वाले रेस्ट्रिक्शन जोन में रखा है। तो गाइस गाड़ी वहां पे लगा दी अपन ने और यहाँ पे बैठे आरती भाई के साथ क्या खाएगा दादा पण आहेत दादा खाऊ गाडी मग समोर आहे आपल्या त्या लपडाने खाऊ आणि मग आपला स्टार्टर आलेला आहे मसाला पापड दादा अभी तर सगळ्यांना सिंगल मजा करा मजा खाऊया मस्त आहे। A few moments later. So guys, खाना खा थोड़ा हल्का फुल्का खाया अभी चलते सीधा निकलते गाड़ी लेके भाई मस्त गाड़ी पूरा देखो कितना गंदा हो चुका है ये देखो ये साइड से पूरा ऐसा ये देखो ये पूरा का पूरा गंदा हो चुका है कीचड़ की वजह से। कोई नहीं अभी लेते और निकलते लेट्स गो। ओके ओके सो गाइस अभी नाश्ता किया हमने 2 बजे मतलब क्योंकि दादा के घर पे खाना ऑलरेडी बन के रखा है इसलिए हमने वो खाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो हल्का ही पापड़ और चाइनीज क्या बोलते हैं चिली खा के निकले पनीर चिली वेज ही खाया क्योंकि गणपति मंदिर जाना है। मुझे लगता है हम लोग पहुँचते 4:30 बजने वाले अभी देखते क्या सीन है सब यहाँ पे रास्ते थोड़े अनइवन है तो थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा और सिंगल लेन रोड है 2 लेन उसमें करके रखे थोड़ा आगे वाला गाड़ी का भी ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो सीधा अपने पे। चलो अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे फिर आपको मिलते हैं बाय। सो गाइस अभी अपन जंगल वाले रेस्ट्रिक्शन जोन में आ चुके हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 का है और ये लोग बीच में क्यों गाड़ी रुका रहे यार ऐसा मत करो भाई जंगल वाले एरिया में क्योंकि एक तो छोटा रोड है एक तो स्पीड कम है रखते हैं ऊपर से पब्लिक को तकलीफ होता है गाड़ियों को तो अगर लगा रहे हो तो एकदम साइड में अगर जगह मिल रही है तो वहाँ पे पार्क करो सब बीच रोड में मत पार्क करना। मतलब मैं बाइक पे आया था ना तब धूप था तभी भी ये हरा था थोड़ा पीला था बट हरा था अभी तो और हरा हो चुका है और क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने को। हम लोग अभी चलते ही जा रहे हैं चलते जा रहे हैं कैमरा में बार बार बंद कर रहे हैं चालू करने को बोल रहा है भाई कैमरा मैन मेरे पे भड़क रहे हैं कितने बार ऑन ऑफ करेगा बट क्या करे नज़ारा ही ऐसा कि मन नहीं भरता आप तब तक व्यू एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी अपन पर्री क्रॉस कर दिए यहाँ से पाली अभी 10 किलोमीटर दूर है और बारिश ने फिर से अपने को घेर लिया है मतलब बारिश बीच में ऑन ऑफ हो रही है देखो आपको देखो वाइपर का स्पीड देखो और इसमें पता करो फिर भी विजिबिलिटी 0-0 है ऐसा कुछ सीन है आगे वाली गाड़ियाँ भी आ रही है अपनी भी गाड़ी है और आगे भी गाड़ी है सबको देख के चलाना पड़ता है भाई याद रखना कभी भी गलती से ओवर स्पीड मत करना और यहाँ पे ना खेतों में पानी क्या बोलते हैं पानी इकट्ठा हुआ है और ना बचपन में हम लोग जाते थे ना गाँव में फिर ऐसे पानी देते तो उसमें डूब जाते थे कूद जाते थे उसमें कूद जाते थे हम लोग मस्ती करने के लिए वो बहुत मज़ा आता था यार अभी नहीं वो बचपन के दिन चले गए अभी अपन बड़े हो गए अभी कूदेंगे तो भाई पब्लिक बोलेगा पागल है साला पागल करने से भाग के लगता है ऐसा कुछ नहीं तो अभी ऐसा नहीं करेंगे अभी अपन निकलेंगे फटाफट क्योंकि ऑलरेडी अपने को लेट हो चुका है और वहाँ पे ताकि थाम ले हमसे जेवन को और अपन नदी के ऊपर आ चुके भाई ये कौन सा नदी है ये जांबुलपाड़ा नदी 95 ला है वहाँ उनके लड़का अच्छा 95 को जब मेरा जन्म हुआ तब ये बह गए के आया था तो अपना पहले से ही नाता है जांबुलपाड़ा मध्ये स्वागत है आपलं पाणी पाणी सगळं पाणी जायचंय पालीला करायचे गणपतीचे दर्शन बट सीन काय हे आता असं एवढं डेंजर सीन चालू आहे थोडा डिले चालू आहे पण काय करणार हळूहळू जाऊ गावची पोरं पोरी भाई स्कूल कॉलेजला जातात थोडं सांभाळून थोडा ताबा ठेवा आपलं आज तर मित्रांनो काय दृश्य आहे समोरचं बघा जरी खतरनाक अद्भुत मतलब ना भाई हर बार ये 5वा या 6वा ट्रिप है मेरा ये साइड पे हर बार मुझे अलग व्यू एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे बस का टायर का लफड़ा ऐसा कुछ सीन रहता है तो थोड़ा संभाल के चलाना देख के चलाना व्यू के चक्कर में ठोक मत देना बट बाहर तगड़ा भाई पैसा वसूल ट्रिप है यहाँ पे आप आओ भाई और किधर जाना है जाओ बट पालघर साइड पे जो है ना वो उससे भी बढ़िया चीज़ें भी यहाँ पे है बस लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे इसके लिए बट आओ भाई तगड़ा व्यू है तगड़ा मिलेगा और अपने को जाने अभी पाली रुकना है अभी 5-3-4 किलोमीटर पे बचा है वो
दिख रहा है क्या चट्टान पहाड़, वहाँ पे पाली गणपति है। चलो थोड़ा हरी करते, बट ये व्यू को देख के मेरे को रहा नहीं जा रहा, बार बार मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ ऑफ कर रहा हूँ, क्या करूँ भाई, अलग अलग व्यूज मिल रहे हैं तगड़े वाले, वो भी सही, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। सो गाइज वी आर एट पाली, आपको देखो पाली गणपति इधर से भी रास्ता है और आगे से भी लेफ्ट ले सकते, तो अभी हम लोग इधर से घुस रहे सीधा सीधा, और आज कुछ ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है तो अच्छी बात है। तो अभी फटाफट निकलते गणपति बप्पा के दर्शन लेते, मतलब दो बार तो मैं, एक बार पहली बार आया था तब दर्शन लिए थे, बीच में दो बार आया था तब दर्शन लेना रह गया क्योंकि ट्रैफिक और ये सब, रास्ता सा गया था इकड़वर्ती ना, हाँ तो यहाँ से अपन उधर से आएंगे तो ऐसा आएंगे, अभी अपने को इधर घुसना है। यहाँ पे क्या सीन है, गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है, थोड़ा गांव के अंदर वाला रास्ता ना थोड़ा संभाल के। तो अगर आप आगे से आओगे तो यहाँ से बाहर आओगे और यहीं पे कनेक्ट होगे, तो हम लोग उधर से चले हैं अभी, राइट थोड़ा अंत गाँव के अंदर वाला रास्ता है ना, और जैम तो मिलेगा ही क्योंकि गांव के अंदर है, पर याद रखना हमेशा जैम नहीं है, अच्छा है भाई जैम नहीं है, खाली एक रॉन्ग टर्न लिया था वो लोग। आपको पूरा डिटेल अपनी वीडियो में मिलेगा, और किधर इकडून दाखवत होता आम्हाला। सो गाइज अपने को यहाँ थोड़ा आगे जाके गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती है, बट यहाँ पे जगह थोड़ा आगे जाके पार्क करते हैं, जहाँ पे ओपन पार्किंग है, खुला मैदान है पूरा का पूरा, वहाँ पे आप लोग आते हो गाड़ी बस कुछ भी हो वहाँ पे पार्क कर सकते हो, कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही पे ना, ये इधर गया, इधर ही तो था भाई, इतना दूर नहीं था रे, कुछ नहीं तो होती जस्ट तो होता ना काम कर, रिटर्न मारा तिकडे साइडला था। गाइस गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिए, वो बड़ा वाला पार्किंग वाला एरिया क्यों नहीं मिल रहा पता नहीं, बट गाड़ी यहाँ पे लगा दी अपन ने, तो चलो निकलते अभी इनको लेके, छाता भी ले लिया अपन ने नया वाला, भाई ने लिया हमारे भाई ने, आरती भाई, चलो। ये तो देखो भाई ऊपर पूरा बादलों में गया हुआ है कोहरे में, सही यहाँ पे जो ट्रेक करोगे ना भाई मज़ा आएगा। तो इकड़े है अपना बल्लालेश्वर मंदिर, चला
गणपति अप्पा मोरिया आरती द सुपरमैन। भाई तो एवढी शॉपिंग केली आणि आमची आरतीसाठी तुला आवडते डॉल आमच्याकडे तर आम्हाला कुठे घेऊन नाही गेले आमच्या आईवडी हिला तरी घेऊन फिरू आम्ही। चलो इसको ले ली अभी मस्त है यार छोटे छोटे जाते अभी तो चलो अभी फटाफट निकलते दादांच्या घरी आणि तिथे जाऊन मग पुढचा प्रवास करू। लेट्स गो ऑल पाहते का हॅपी हॅपी चलो।